गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। सुबह के 6 बज गए। आज इस ब्लॉग की शुरुआत एसपी रोड से करते हैं। गैस भरना था लेकिन बेटे को छोड़ेंगे और भाजी का भाड़ा तो मारने के बाद ही भरेंगे, क्योंकि गैस है 60-70 किलोमीटर चलेगा। तो जाके साईं मंदिर जाके पहले पूजा करते हैं, फिर निकलते हैं बच्चे के स्कूल के लिए। ओके दोस्तों, निकलते इधर। तो दोस्तों आगे बेटे के स्कूल, बेटे को छोड़े अभी निकलते स्टेशन की ओर। आपको दिखाता हूँ मेरे बेटे का स्कूल। ये देखिए काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना स्कूल है, सेंट फ्रांसिस स्कूल, आप देख सकते हैं। और इनका यहाँ पॉलिटेक्निक भी है, जो आपको बिल्डिंग दिख रही है पूरी पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग है, उनकी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक सब है। तो दोस्तों निकलते इधर से, ये रास्ता पकड़ के निकलेंगे अपन बुरली स्टेशन की तरफ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों फिलहाल आया हूँ बुरली वेस्ट भाजी मार्केट। भाजी का भाड़ा मिल रहे ना, तो आधा भाजी तो आ गया, आधा भुजा आ गया, आधा आने का बाकी, तो रुकना पड़ेगा 5-10 मिनट। तो भाड़ा लेके फिर निकलते इधर से, आपको व्यू दिखा देता हूँ भाजी मार्केट को ऑफिस से मिले। अभी ये रास्ता पकड़ के जाएंगे हम जोगेश्वरी साइड। तो दोस्तों फिलहाल खड़े हैं गोरेगांव हाईवे, सीएनजी भरा लिए, गाड़ी का हवा चेक कर लिया तो कम था, वो भी भरा लिए। तो हफ्ते हफ्ते में हवा चेक करा लीजिए, करें 3-3, 4-4 पॉइंट, 5-5 पॉइंट कम हो जाता है। तो उसमें से क्या टायर पर प्रेशर ज़्यादा आता है, व्हील गर्म होता है। तो सीएनजी तो भर लिया, अभी निकलते स्टेशन की तरफ। भाजी का भाड़ा तो ड्रॉप कर दिए, जाते फटाफट स्टेशन की तरफ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं गोरेगांव हाईवे तो फुल जाम है। मंडे है तो जाम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, आप देख सकते हैं। रॉन्ग साइड में छोड़ देते ट्रैफिक कम करने के लिए। निकलते फिर। तो दोस्तों फिलहाल खड़े ठाकुर कॉम्प्लेक्स एवेन्यू होटल के इधर, अभी जस्ट नाश्ता किया, वड़ा पाव खाया। आज ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी लेकिन गर्म बहुत हो रहा था, इसमें बोला थोड़ा खा लेते। तो निकलते स्टेशन की तरफ, 12:30 को जाना है बेटे को भी लेने। ओके दोस्तों निकलते फिर इधर। तो दोस्तों आए ले बोरली वेस्ट में जयराज नगर में, बस भाड़ा ड्रॉप किए, 12 भी बज गया। तो जाते बेटे के स्कूल की तरफ, अभी 3-4 किलोमीटर दूर है। तो भाड़ा भाड़ा मारते जाते हैं, ईस्ट में जाके क्या करेंगे, फिर वेस्ट में आना पड़ेगा। तो निकलते, आपको यू दिखा देता हूँ जयराज नगर। ये देखिए जयराज नगर का सर्कल है, तो अपन ये रास्ता पकड़ के जाएंगे। ओके दोस्तों निकलते फिर इधर से। दोस्तों ये दिन का 12:30 बजे का भी हो, आप देख सकते हैं। रात को मेरे ख्याल से बराबर नहीं दिखा रहेगा, आप देखिए 6-7 बिल्डिंग है स्कूल की, और सामने एकदम जूना चर्च है उसका। पीछे भी बिल्डिंग है, मेन गेट उधर ही है, ये वाले गेट से बच्चे लोग छूटते। तो दोस्तों आया डायमंड रोड पर, जूस देंगे फिर जाएंगे आगे। तो दोस्तों बेटे को छोड़ दिए घर, अब चलते हैं स्टेशन की तरफ। ओके तो दोस्तों दोपहर के 3 बज गए और मैं आ गया हूँ घर, खाना खाएंगे, 2 घंटा आराम करेंगे फिर निकलेंगे गाड़ी पे। ओके दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आगे गाड़ी के पास वो जो ऑयल का वीडियो हमने डाले थे 2-3 दिन पहले, वही है। मैंने बताया था कि थोड़े बहुत जगह
पत्रा पापड़ी छोड़े, तो पपड़ी को पॉलिश पेपर से, ऐसे एक ज़्यादा पॉलिश पेपर जो लाइनर साफ करते वो ले लेने का, और जहाँ जहाँ पपड़ी निकले वहाँ घस देने का। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए, अब निकलते हैं गाड़ी पे, देखते हैं कौन सा भाड़ा लगेगा, चलते हैं स्टेशन की तरफ। और दोस्तों जो ऑयल डाला है, जो फ्रेम में से थोड़ा थोड़ा ऑयल गिरता रहेगा उसको पोंछ देना याद से, नहीं तो फिर कपड़ा गंदा हो जाएगा। ओके दोस्तों चलते हैं फिर घर से। तो दोस्तों फिलहाल खड़ा हूँ MG रोड बोरली स्टेशन, देख सकते हैं बस यहाँ सब निकल रही है, टाइम हो गया बस निकलने का, सब बाहर जाने वाला बस है। आप देखिए MG रोड पर ट्रैफिक अच्छा खासा रहता, तो अभी जाऊँगा स्टेशन की तरफ फिर निकलते इधर से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों फिलहाल आया हूँ लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स सकल से, भाड़ा छोड़ा था सोचा वहाँ चार्ट कर लूँ, लेकिन DMC का धार है इसके लिए कुछ भी नहीं है, सब बाकड़ा बिकड़ा सब उठा दिए, तो भूख तो लग रहा था लेकिन अभी क्या करेंगे, यहाँ को भेल वाला है तो भेल खा के निकलते इधर से। ओके दोस्तों चलते फिर, आप ये लोकन वाले का बाहर साइड का व्यू देख लीजिए, ये देखिए रोड एकदम ओपन हो रहा है, ये अभी नया रोड बना है, अभी चालू हुआ क्या नहीं पता नहीं, सामने जो दिख रहा है ये साईं बाबा का मंदिर है, लेकिन चिकू बाग बोलते हैं इसको, पूरा चिकू का झाड़ है अंदर, और अंदर साईं बाबा का मंदिर भी है, और वो गेट पे भेल वाला, तो जाके पहला भेल खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। ओके दोस्तों तो भेल ले लिए, भेल खा के निकलते इधर से, दुकान वाला कभी भी आऊँ पूरा तो भेल खा के निकलता हूँ, या चाट, अभी चाट तो नहीं है, DMC का धार है लगता है, तो बाकड़ा बिकड़ा लेके गए इसे, तो भेल ख़त्म करके निकलते इधर से दोस्तों। तो दोस्तों रात के 9 बज गए और मैं आ गया हूँ घर, ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय महाराष्ट्र, #AutoDriverLife।